हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शहनवास और आप देख रहे हैं दी शहनवास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको मेरे पीछे लखीमपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर B4 लोको के साथ गोमती नगर ट्रेन की रैक दिखाई दे रही होगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को इस रैक का पूरा व्यू दिखाएंगे और साथ में जानकारी देंगे कि B4 लोको इस रैक को लखीमपुर क्यों लेने आया। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आप सभी को दिखाते हैं बैक कैमरे से पूरा व्यू। दोस्तों, आपको मेरे सामने WAP4 दीनदयाल उपाध्याय सेट का लोको दिखाई दे रहा होगा, जो कि गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन की रैक में लगा हुआ है। तो आप सभी को बता दें, हमने कई वीडियो में बताया भी है, लेकिन फिर से आप सभी को एक बार बता दें, गोंडा जंक्शन पर यार्ड रिमॉडलिंग का काम चल रहा है, जिसके चलते मैलानी से गोरखपुर के बीच में चलने वाले गोमती नगर एक्सप्रेस को 17 मई से 8 जून तक रद्द कर दिया गया है। और इस रैक को पार्किंग के लिए लखीमपुर स्टेशन पर खड़ा किया गया था, तो आज ये रैक लखीमपुर रेलवे स्टेशन से हटाया जा रहा है। और आप सभी को एक बात और बता दें, साथ ही में अब जो गोमती नगर एक्सप्रेस गोरखपुर से मैलानी के बीच में और मैलानी से गोरखपुर के बीच में चलाई जाएगी, तो ये LHB रैक से चलाई जाएगी, जो कि NIR की तरफ से पोस्ट करी गई थी कि 8 जून को गोरखपुर से और 9 जून को मैलानी से LHB रैक के साथ गोमती नगर ट्रेन का संचालन शुरू होगा। तो हम आप सभी को वीडियो में वो कटिंग भी दिखा देंगे। इससे पहले भी हमने वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी हमने आप सभी को कटिंग दिखाई थी। तो फाइनली आप सभी को हम आखिरी बार इस रैक का व्यू दिखा रहे हैं। तो अब आप सभी को गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन की रैक LHB के रूप में नज़र आएगी। तो सामने आपको साइन बोर्ड भी दिखाई दे रहा होगा, कोलकाता गोरखपुर मैलानी, जो कि शेयरिंग रैक है। तो पहली बार इस रेलखंड पर कोई LHB रैक से ट्रेन का संचालन शुरू होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मौजूदा हाल में 24 कोच के साथ गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन हो रहा था, और जब ये LHB में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसमें टोटल 16 कोच लगाए जाएंगे, जिसमें से एक कोच जनरल का रहेगा, यानी कि एक कोच टू वेस का लगाया जाएगा। तो इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना झेलना पड़ेगा दैनिक यात्रियों को। तो खैर, अभी देखा जाएगा कि आने वाले समय में जो LHB रैक से गोमती नगर चलाई जाएगी तो उसमें टू वेस के कोच बढ़ाए जाएंगे या नहीं बढ़ाए जाएंगे। अगर टू वेस के कोच नहीं बढ़ाए जाएंगे तो सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कत यात्रियों को होगी, तो बहुत ही दिक्कतों का सामना झेलना पड़ेगा यात्रियों को। तो फिलहाल हमने आप सभी को एक छोटी सी झलक दिखाई है इस रैक की। और जो कि ये रैक यहाँ से हट रहा है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस रैक को ई लोको द्वारा हटाया जा रहा है। और आप सभी को मालूम भी है कि 17 मई से 8 जून तक गोमती नगर से मैलानी और मैलानी से गोमती नगर के बीच में एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, जो कि उसका संचालन गोमती नगर की तरह किया जा रहा है, यानी कि जिस तरह से गोमती नगर अपने समय और स्टाफ की तरह चलती थी, उसी तरह से उस ट्रेन को भी चलाया जा रहा है। तो देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत व्यू लखीमपुर रेलवे स्टेशन का। तो इस वक्त मैलानी गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन का समय हो रहा है, तो आपको काफ़ी सारे यात्री भी लखीमपुर स्टेशन पर नज़र आ रहे होंगे, आप देख सकते हैं, जो कि ट्रेन का समय शाम को 6:45 का है और छूटने का समय 6:50 का। तो यात्री धीमे धीमे यहाँ पर नज़र आ रहे लगे हैं। तो इस रूट पर मात्र 3 जोड़ी ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जो कि उनका समय भी काफ़ी सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, रेलवे को इसके बारे में सोचना चाहिए और लखनऊ से मैलानी के बीच में 1-2 जोड़ी और ट्रेनों का संचालन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि हमने आप सभी को पहली बार गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन के रैक का व्यू ई लोको द्वारा दिखाया। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।